अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए आप जानते ही हैं जी न्यूज लगातार मुहिम चला रहा है। अब सुशांत सिंह राजपूत के खुदकुशी केस की जांच सीबीआई से करवाने की मांग लगातार आपने देखा है उठ रही है। इस बार मांग उठी है बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा। खुदकुशी क्यों की, इस सवाल का जवाब अब तक नहीं मिल सका है। अब बीजेपी सांसद और देश के बड़े वकील सुब्रमण्यम स्वामी ने मामले की जांच सीबीआई से करवाने की आवाज उठाई है। शिवसेना भी इसका विरोधी नहीं है कि सीबीआई इंक्वायरी हो जाए और उनके उनके ऊपर जो बोझा है वो भी हट जाएगी यदि सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन होगी की तो समझ नहीं है कि ये संदेह जो है और उनके जो परिवार है यानी माँ बाप ये सब उनको भी तसल्ली संतुष्ट नहीं है कि ये सुसाइड हो सकती है। और जो तथ्य आए हैं बाहर उससे तो लगता है कि कुछ दाल में काला है। सीबीआई जांच होगी या नहीं ये महाराष्ट्र सरकार को तय करना है, लेकिन मुंबई पुलिस इस केस की हर जांच हर एंगल से कर रही है। सुशांत सिंह केस में मुंबई पुलिस ने सलमान खान की पूर्व मैनेजर रेशमा शेट्टी से पूछताछ की है। सूत्रों के मुताबिक रेशमा शेट्टी से पुलिस ने 5 घंटे तक पूछताछ की। पुलिस रेशमा से यह पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि कहीं सुशांत को लेकर बॉलीवुड में किसी तरह की घेराबंदी तो नहीं की जा रही थी। सूत्रों के मुताबिक रेशमा ने पुलिस को बताया कि आज तक वो सिर्फ 2 बार ही सुशांत से मिली थी। सुशांत सिंह केस में मुंबई पुलिस अब तक 35 लोगों से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन अभी तक पुलिस इस बात का पता नहीं लगा सकी है कि आखिरकार सुशांत के खुदकुशी करने के पीछे वजह क्या थी। मुंबई से नित्यानंद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। तो एक तरफ सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी की सीबीआई जांच की मांग उठ रही है तो दूसरी तरफ शिवसेना के मुखपत्र सामना में शायद ये पहला मौका होगा कि ठाकरे परिवार को छोड़कर महाराष्ट्र के बड़े नेता का इंटरव्यू छापा गया है। इस इंटरव्यू में शरद पवार ये कह रहे हैं कि दिवंगत बालासाहेब ठाकरे की विचारधारा बीजेपी से नहीं मिलती थी। जी हाँ, बालासाहेब ठाकरे की विचारधारा बीजेपी से नहीं मिलती थी और इसके साथ ही सरकार के हेडमास्टर होने पर सफाई देते हुए उन्होंने ये कहा कि महाराष्ट्र की सरकार लोकतांत्रिक सरकार है और इसका रिमोट कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं। शरद पवार से पहले इस सीट पर बैठने का सौभाग्य ठाकरे परिवार को छोड़कर शायद ही किसी नेता को मिला। सामना के कार्यकारी संपादक संजय राउत ने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू में शरद पवार के निशाने पर थी बीजेपी। शरद पवार ने बाला साहिब का नाम लेकर कहा कि बीजेपी से उनकी विचारधारा बिल्कुल अलग थी। शरद पवार ने कहा, मैं जिस बाला साहिब ठाकरे को जानता था उनकी विचारधारा और उनके काम करने का तरीका वो बीजेपी से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। उद्धव सरकार का रिमोट कंट्रोल होने के सवाल पर शरद पवार ने कहा, मैं ना ही सरकार का प्रिंसिपल हूं और ना ही रिमोट कंट्रोल। हमारी सरकार लोकतंत्र की सरकार है और यह सरकार रिमोट कंट्रोल पर कभी नहीं चल सकती। आपने ये लोकशाही की सरकार है और लोकशाही की सरकार रिमोट कंट्रोल में कभी चल नहीं सकती। लेकिन सरकारी कामकाज में सीधे तौर पर शरद पवार के दखल से उनकी सफाई गले के नीचे नहीं उतरती। राज्य में कोरोना के बढ़ते मामले हो, अघाड़ी सरकार में अनबन की स्थिति हो, मुंबई में डीसीपी के ट्रांसफर का मामला हो या फिर कांग्रेस पार्टी की नाराजगी हो, इन सभी मसलों पर हर बार शरद पवार की बातों को ही तवज्जो दी गई है। शरद पवार के इंटरव्यू पर बीजेपी कटाक्ष करने से नहीं चूकी। जिन शरद पवार के बारे में श्रीमान बाला साहब ठाकरे कहते थे कि शरद पवार जो कहते हैं उस बात पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए और जो शरद पवार के लिए मैदे की बोरे शब्द का प्रयोग करते थे, आज वो मैदे की बोरी शिवसेना प्रमुख की विचारधारा अच्छी थी कि बुरी थी ये भी प्रमाण पत्र देने का दायित्व दैनिक सामना की संपादिका श्रीमती रश्मि ठाकरे ने शरद पवार को सौंप दिया है।